प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 57 पर। ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट देखिए फोर्थ का, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज कॉल्ड एब्सिस। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, किसके अलोंग एक्स एक्सिस, किससे ओरिजिन से, ओरिजिन से एक्स अक्ष की तरफ जो डिस्टेंस है क्या अपन उसको एक्सिस बोलेंगे क्या? बिल्कुल एक्सिस बोलेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो एक्स की वैल्यू होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सिस। तो इसमें आपको करना है ट्रू। नेक्स्ट देखिए सेकंड, वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स इज द थर्ड क्वाड्रेंट। क्या वाई डैश ओ एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है क्या? देखिए वाई डैश ओ और एक्स ये थर्ड थोड़ी ना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें आएगा फोर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 एक्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स अक्ष पे एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है ना कि एक्स 0 होता है, इसमें एक्स 0 रहता है तो क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स की साथ तो नेगेटिव रहती है क्या? बिल्कुल रहती है, और ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है? बिल्कुल रहता है, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0
कि ये वाला है x, ठीक है, ये वाला x, तो ये वाली डिस्टेंस तो आ रही है 2, और x डैश की तरफ आ रही है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, तो x के साथ आ गई -2, और ये वाली y की डिस्टेंस कितनी आ रही है 5, ऑर्डिनेट कितना हो गया 5, और कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2 एंड 5। ऐसे ही पॉइंट p के लिए देखिए, x की वैल्यू तो कितनी आ रही है 6, यहां से आप ये वाली डिस्टेंस x की तो है, तो x की डिस्टेंस तो कितनी आ रही है 6। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, x डैश की तरफ आ रही है, तो आपके x के साथ तो आई -6, ठीक है, और ऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आ रही है 4, ये भी यहां पर भी इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में y भी नेगेटिव होगा, तो ऑर्डिनेट भी क्या होगा इसका -4, और कोऑर्डिनेट क्या हुआ -6 -4, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपकी मैथ्स की फाइल में करना है और इसका रिवीजन करना है, और ये डायग्राम आपको ग्राफ में बना लेना है, ठीक है, इनको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है और अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में।